मंगलवार के दिन हनुमान जी को तुलसी चढ़ाना शुभ माना गया है। कहा जाता है कि यदि आप हनुमान जी को भोग, सिंदूर आदि के साथ तुलसी की माला अर्पित करते हैं तो आपके सारे काम पूरे होते हैं। आइए जानते हैं कि बजरंगबली को तुलसी अर्पित करने की कथा। हेलो दोस्तों, मैं हूं उमा नेचर ब्यूटी। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। तो आइए जानते हैं हनुमान जी को तुलसी अर्पित क्यों करते हैं। आपको ये तो पता ही होगा कि भगवान विष्णु जी को तुलसी बहुत प्रिय है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि यदि आप मंगलवार को तुलसी या उसकी माला हनुमान जी को अर्पित करते हैं तो आपके सारे काम बन जाते हैं। हनुमान जयंती या मंगलवार को, बजरंगबली को यदि कोई भी व्यक्ति पूरे मन से उनकी पूजा करे और उन्हें तुलसी का भोग लगाएं या तुलसी की माला अर्पित करता है तो उसके हर काम सफल हो जाते हैं और उसे अपने शत्रु के सामने कभी भी सिर नहीं झुकाना पड़ता। तो आइए जानते हैं इसकी कथा। श्री रामायण में कथा के अनुसार जब भगवान राम का वनवास पूरा हुआ तो सभी अयोध्या लौटे। तब पवन पुत्र अपनी माता सीता जी के द्वारा परोसे गए भोजन को खा रहे थे, लेकिन पवन पुत्र का पेट भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। यहाँ तक कि भंडार गृह खाली होने की नौबत आ गई। तब माता सीता जी ने उन्हें तुलसी की पत्तियाँ खाने को दी, जिसे खाने के पश्चात वे तुरंत तृप्त हो गए और उनकी भूख शांत हो गई। तब से हनुमान जी को तुलसी अर्पित की जाती है। और तुलसी की माला की क्या कथा है। यदि आपके मन में कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही या आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है तो इसके लिए आप मंगलवार के दिन तुलसी की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करने से आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। तुलसी जी का भोग हनुमान जी को कैसे लगाएं? हनुमान जी को गुड़, चना और लड्डू का भोग अति प्रिय है। यदि आप इसके साथ तुलसी अर्पित करते हैं और यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है तो उस तुलसी के पत्ते को उस व्यक्ति को दे दें। इससे उस व्यक्ति की का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा और रोगों से जल्दी ही मुक्ति मिल जाएगी। हनुमान जी को तुलसी चढ़ाने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है और धन से संबंधित परेशानियों से छुटकारा भी मिलता है। आप हर मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर, गुड़, चना का भोग लगाकर और तुलसी अर्पित करके हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपको निश्चय ही इसके परिणाम अच्छे मिलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में एक बार फिर से आपसे यही विनम्र निवेदन है कि भगवान हनुमान जी को तुलसी विष्णु भगवान जी के साथ जरूर चढ़ाएं, मंगलवार हो या हनुमान जयंती हो। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हनुमान जी।